जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अक्षय तृतीया युगादि तिथि कहा जाता है इसको, और इस दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, नर नारायण का अवतार हुआ था, हयग्रीव अवतार हुए थे। और आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के पुण्य दर्शन कराए जाते हैं, तो ये दिन बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार का यदि हम पुण्य कर्म करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, किसी मंत्र जाप की साधना की शुरुआत करते हैं, तो अक्षय फल देने वाला होता है आज के दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, कोई भी अच्छा कर्म जो हम आज करते हैं वो संचित हो जाता है, और जन्म जन्मांतर तक वो पुण्य फल हमें शुभ फलों के रूप में प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बहुत से लोग सोने की खरीदारी करते हैं, कीमती धातुओं की खरीदारी करते हैं, कीमती वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोने की खरीदारी करने से धन संपदा की वृद्धि होती है, और अगर आज के दिन सोना खरीद कर घर में लाया जाए, उसकी पूजा करके अगर अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में विराजमान रहती हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए लोग आज के दिन सोना खरीदते हैं, कीमती धातुएं खरीदते हैं, और कीमती वस्तुओं की खरीदारी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज के दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है, और इस बार जो अक्षय तृतीया पर ग्रहों का संयोग बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत संयोग बना है, जो इस दिन को बहुत शुभ बना रहा है, बहुत अधिक प्रभावशाली बना रहा है। ऐसा इस शुभ संयोग की वजह से इस दिन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इस शुभ संयोग में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, कौन सा ऐसा विशेष उपाय करें जिससे कि जन्म जन्मांतर तक माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, जन्म जन्मांतर तक आज के दिन किए गए कार्यों का जो शुभ फल है वो हमें प्राप्त होता है, इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए, कौन सा शुभ संयोग बन रहा है, ये भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं अक्षय तृतीया पर जो ग्रह संयोग बने हैं उसके बारे में। इस बार की जो अक्षय तृतीया है 14 मई को है, और 14 मई शुक्रवार को है, शुक्रवार जो कि माँ लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस दिन जो 14 मई है, इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। सूर्य इस दिन मेष राशि से वृष राशि में परिवर्तन करेंगे, प्रवेश करेंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से इस दिन वृष राशि में सूर्य बुध के संयोग से बुधादित्य योग भी बन रहा है, और इस दिन शुक्र स्वराशि वृष में होंगे, और इस पर शुभ संयोग ये भी बना है कि इस दिन चंद्रमा भी उच्च राशि में होंगे। चंद्रमा की उच्च राशि वृष होती है, तो वृष राशि में जब चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा भी उच्च के होंगे, शुक्र भी स्वराशि के होंगे, जो कि बहुत शुभ संयोग है। और अक्षय तृतीया पर चंद्रमा का शुक्र के साथ शुक्रवार को वृष राशि में गोचर करना धन समृद्धि और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अक्षय तृतीया पर चंद्रमा संध्या काल में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में इस समय मंगल का संचार हो रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा की मिथुन राशि में आने से यहाँ भी धन योग का निर्माण होगा, जो कि बहुत शुभ है। तो आज के दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, उसका फल वैसे भी अनंत गुना होकर प्राप्त होता है, और ये ग्रहों का शुभ संयोग सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। अक्षय तृतीया पर किस तरह से अपने शुभ कर्मों को हम संचित करें, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारा जो जन्म जन्मांतर तक हमारे ऊपर कृपा मिलती रहे, ग्रहों की शुभ स्थिति में क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर आप अगर जमीन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जमीन के रूप में अगर आप संचय करते हैं, धन संचय करते हैं, तो ये भी बहुत शुभ फल देने वाला हो। मकान की खरीदारी भी आप कर सकते हैं इस दिन, बहुत शुभ योग है। इस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत शुभ दिन है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, शिक्षा की शुरुआत करते हैं, जैसे आप किसी भी विषय में पारंगत होना चाहते हैं, आज चाहते हैं कि हम आज से शुरुआत करें, तो बहुत शुभ दिन है। क्योंकि आज के दिन जब हम संकल्प लेकर किसी कार्य की शुरुआत कर लेते हैं, तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है, प्रयास करने से सफलता मिलती है। जो लोग धन का निवेश करना चाहते हैं, पुण्य का निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिन उत्तम होता है।
पुण्य का निवेश कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, जो लोग पुण्य फल पाना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें जन्मों में, हर जन्म में उन्हें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, हर जन्म में उन्हें एक अच्छा जीवन प्राप्त हो, इसके लिए आज क्या करना चाहिए? आज कुछ धार्मिक कार्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। दान एक ऐसी चीज है कि अगर हम किसी को दान करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। दान आप किसको कर सकते हैं? दान आप किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी जो भी सामर्थ्य है आपके पास, इसके अनुसार आप कुछ न कुछ दान की सामग्री अवश्य निकालें। जो भी आपके पास सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। जैसे इस बार जो ग्रहों का संयोग बना हुआ है, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं, एक घड़ा खरीदे मिट्टी का, उसमें जल भरकर अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा पुण्य फल देने वाला होता है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाते हैं, बहुत अच्छा और पुण्य फल देने वाला होता है। शक्कर का दान आप कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, बर्फी या सफ़ेद मिठाई जो होती है, इन चीज़ों का आप दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। वस्त्र का दान हमें ज़रूर करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, ये भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। खाने की सामग्रियों का दान आप किसी जरूरतमंद को दें, कुछ भोजन की सामग्री आप किसी को दान कर सकते हैं, किसी भूखे को आप भोजन करा सकते हैं। प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य फल देने वाला होता है, तो आज आप अगर व्यवस्था कर पाए तो मीठे जल की व्यवस्था करें, जो कि किसी प्यासे को पानी मिले, ऐसी व्यवस्था अगर आप कर पाते हैं, बहुत अधिक पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। और कुछ संभव ना हो तो कुछ पानी की बोतल खरीदें और वो पानी की बोतलें जैसे लोगों में बांट दें, गरीबों में बांट दें, कि कुछ भी जो पानी पिए वो आपको आशीर्वाद दें, आत्मा तृप्त होती है जल से। तो जल का दान बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन फलों का दान करना बहुत अच्छा रहता है, फलों का दान करने से पुण्य की वृद्धि होती है। आज के दिन अगर आप अक्षय तृतीया के दिन संवत्सर जो नया आया हुआ है, इसका पंचांग अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, धार्मिक पुस्तकें अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी मंदिर में दान करते हैं, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को अगर आप धार्मिक पुस्तकों का और नव संवत्सर के पंचांग का दान करते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति आपको होती है। आज के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो आज आप अधिक से अधिक वस्तुओं का दान करें, जैसे कि जितना आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान करें। जैसे अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो आप थोड़ा सा जौ खरीद कर अगर आप दान करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जौ का दान स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। अगर आपके पास सामर्थ्य स्वर्ण दान का नहीं है, तो जौ खरीद कर भी अगर आप दान करते हैं, ये भी बहुत पुण्य फल देने वाला होता है। आज आप छाते का दान कर सकते हैं, आज आप सत्तू का दान कर सकते हैं, जौ के सत्तू का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज आप गुड़ का दान करें, मतलब जो सामग्री आप दे रहे हैं जरूरत की होनी चाहिए, जो लोग प्रयोग कर पाए। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण दान का, भूमि दान का, गौ दान का विशेष महत्व है, लेकिन इतना सामर्थ्य अगर आपके पास नहीं है तो आप जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप आज दान करें। ये जो दान आप कर रहे हैं, ये होता है पुण्य का संचय करना, जो कि जन्मों तक आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और कभी भी आपके जीवन में अभाव नहीं रहता है। अगर आप आज के दिन दान करते हैं तो संचय हो जाता है ये पुण्य फल। तो ये दान आपको जरूर करना चाहिए संचित पुण्य फल के लिए। अब बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा जन्म जन्मांतर तक हमें मिलती रहे, इसके लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष प्रयोग करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, बहुत श्रेष्ठ दिन है माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ दिन है। ऊपर से अक्षय तृतीया, बहुत शुभ संयोग है ये। तो अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय, विशेष रूप से शाम के समय, और अगर आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति या श्री यंत्र आपके पास है, जो भी आपके पास है, स्थापित करें अपने घर के ईशान कोण में, अपने घर के मंदिर में, और वहाँ एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और उसके बाद आप आसन पर बैठकर लाल वस्त्र धारण करें। स्नान इत्यादि करने के बाद ही आपको ये पूजा करनी है, और लाल वस्त्र धारण करें, गुलाबी वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी पाठ जो आप आसानी से उच्चारण कर पाएं और सही विधि से उच्चारण कर पाएं, इस पाठ को अगर आप करते हैं, 16 पाठ मान लीजिए आप श्री सूक्त का कर लें, बहुत श्रेष्ठ होगा। अगर आप 16 पाठ आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतर तक आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहती है, जरूर करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कनक धारा या फिर श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आप आसानी से उच्चारण कर पाएं, मान लीजिए आप ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं,
तो आप 16 माला जप लीजिए, कमलगट्टे की माला से 16 माला इस मंत्र का जाप कीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने आपको खीर का भोग लगाना है, आप चावल की खीर बनाएं और माँ लक्ष्मी के सामने भोग लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसके बाद आप अपनी आराधना शुरू करें। आप यकीन कीजिए, इस उपाय से आपके घर में हमेशा धन संपदा की वृद्धि होती रहेगी और जन्म जन्मांतर तक माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।